इतने रात के कम से कम 1 बजे के समथिंग का टाइम है जी। 12:44 कितने हो गए? 12:44 हो रहे महाराज। पौने का समय है जी, ना पूरा है ना सवाया है, पौने का समय है। इतनी रात गए इस बियाबान जंगल में, ये बाबा बाबा पुकारने वाली नारी कौन है? मैं हूँ, आंखें खोल के देखी जरा। अन्य तो मुझे देख रही है, तू है फिर पूछ क्यों रहे हो? पर न्यू बता, इतनी रात गए बियाबान जंगल में, तेरा आने का कार्य क्या है? ये बियाबान जंगल नहीं है। अच्छा, सामने देखो हमारी चंद्रकिरण का महल खड़ा है। यो महल है और क्या? हमने तो ऐसे लगे जैसे किसी साधु की झोपड़ी पड़ी हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये महल है, अंदर चल के देखो उसमें क्या क्या नजर है। तुम्हारी रानी चंद्रकिरण का महल है? महल है। फिर मैंने तो महल से कम 1 कीला दूर अपना धोना लगा रखा, तुम्हें परेशानी क्या है? परेशानी ये हो रही है कि इसका धुआं महल में जाके हमारी आंखों में लग रहा है। हवा उल्टी चल रही है, धुआं इधर नहीं जा रहा, इधर को जा रहा है। आंख फूटेंगे तो मेरे बुजुर्गों की फूटेंगे तुम्हारी। बात ये है बाबा जी, हाँ, कि तू अपना ये धोना उठा और निकल जा पतली गली से 2 मिनट के अंदर अंदर। पागल, ये धोना मैं नहीं उठा सकता। केवल एक तुझसे 2 बात पूछूंगा छोटी छोटी। हाँ बताइए। क्या तुम अपनी रानी चंद्रकिरण से मेरी एक छोटी सी मुलाकात करवा सकती हो? अच्छा, अगर मुलाकात ही करनी है ना तो खुद जाके कर लो, मैं नहीं करवा सकती कुछ भी। ऐसा है, मैं चला तो जाता पहले ही, पर गेट पे 2-3 ऐसे संतरी खड़े हैं, मेरे तो घने काफी दींगड़ा है। अच्छा, जो एक भी काय से नवार दिया तो फिर उठ नहीं सकता कई दिन तक। समस्या ये है, मैं हूँ गुरु जी, उसके लिए मेरी बात। हाँ, एक बात और बता। हाँ, एक बार तू यूं बता दे कि चंद्रकिरण की तू लगती क्या है? मैं उसकी बांधी हूँ, बांधी। अरे बांधी है, सी ग्रेड कर्मचारी, झाड़ू पोछा करने वाली, फिर इतनी हेट दिखा रही है। नहीं, मैं झाड़ू पोछे वाली नहीं हूँ। जब बांधी ऐसी है गुरु जी, चंद्रकिरण कैसी होगी? अरे बस चंद्रकिरण की तो बस चंद्रकिरण नहीं पता है कैसी होगी। पूछो कहे। एक बार यूं और बता दे जी, बांधी क्या कभी तूने किसी से प्यार किया है? हाँ। ये समझो हंसी तो फंसी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसे लफड़ों में नहीं पड़ती मैं, प्यार है। बड़ी सीधी है, कतई नहीं पड़े लफड़े में ना, बिल्कुल ना। क्या तुम्हारी शादी हुई? शादी हो गई मेरी तो। होगी और क्या? अगर शादी होगी तो फिर तो तू सारी बात समझ रही है। हाँ। एक बार करवा देना छोटी सी मुलाकात। तू पागल हो रहा है, मेरी बात सुन ले। सुना दे क्या कहना चाह रही है। वैसे पैसे थे तो बांधी है सीक्रेट कर्मचारी, पर तू तो गावे बहुत बड़ी है। हाँ, थोड़ा सीख रखा है मैंने। सीख रखा है? मेरे गुरुजी बैठे हैं ना पीछे। ना गुरुजी तो हमारे भी है, हमें भी बजाना इन्होंने सिखाया था। अच्छा, कहते क्या कहना चाह रही है? और इन्होंने ने हटा ले बाबा। अच्छा, ओडरी राजकुमारी का हरि मन पड़ा रहन देख के ले रहा मैं। हम तो बजावे भी अच्छे ही हैं। अच्छा, हाँ सुन ले। सुना दे। और इधोने ने हटा ले रे बाबा,
जगह नहीं मिली धूना लगाने की। जगह तो बहुत देखी पर आनंद यही आया राम नाम मजा आनंद ले रहा है। सुन ले मेरी बात, महल के सामने धूना लगा दिया ऊत तने की अकल नहीं।
तक आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बाबा जी नहीं देखा जो बाबा जी होकर आस्के की बातें करता। एक बार तूने बता तेरी उम्र कितनी है, फिर बताऊंगा देखा या नहीं देखा। मेरी उम्र 21-22 के समथिंग है। 21-22 के समथिंग है। हाँ। ध्यान करना ये बात, कभी भी कोई औरत अपनी उम्र पक्की नहीं बता सकती कि 20 साल है, 22 साल है, 25 साल है। तुझे बच्चा बता, तू 20-22 साल की है। हाँ, मेरी मम्मी ने बताई थी। तेरी मम्मी ने बताई थी तू 20-22 साल की है। अभी तक तूने ऐसा कोई बाबा नहीं देखा? कोई नहीं देखा ऐसा। पागल, तुझे नाम गिनवाता हूँ, अभी की ताजा न्यूज है। हाँ बताइए। राम रहीम का नाम सुना? हाँ हाँ सुना है। देख लिया? टीवी में देख लिया। देख तो लिया, शायद टीवी में देखा सही या घर देखा सही? जी, एक बार देखे थे थोड़े दिन पहले ही। कौन सा? बिल्कुल सफेद बार, नाम था संत आसाराम बापू। ओके, सुना है नाम? सुना है। और एक और था सबसे ज्यादा खतरनाक, संत रामपाल। रामपाल, वैसे सारी चीजें मैं जाना है, फिर भी जो कह रही है मुझे नहीं पता। मतलब सबके आगे या पीछे राम राम जरूर लग रहा है? राम राम तो जरूर लग रहा है, हमने भी तो राम ही समझ लिया था। साधु हर गुण गाया वो उसका रो ही उसका वो ही उसका राम मेरी बांधी जिसमें मन बस जाया करे सुनाइए। खूब कह ली, जब तक कह रही हूँ यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जा, तू रड़क ले यहाँ से, चाहे जेल हो जाइए मुझे भी। राम रहीम की तरह जैसे वो हनीप्रीत के चक्कर में पागल है, ऐसे ही पागलपन में अपना सारा राजपाट छोड़ कर आया हूँ। मैं एक देश का राजा भी हूँ और एक नाते भी मनु बड़ी पटोला सी घर और छोड़ कर आ रहा हूँ पागल। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कहीं और मिल जेल के चक्कर में और मजे ना ले रहे, हम यही रहेंगे। अच्छा, सुन मेरी बात।
हेलो हेलो भाई ये दोस्तों ये बहुत सुंदर नाग ने आपने सुनी मैं थोड़ा साफ करते हैं क्या हो रहा है सौरभ चौधरी छोटू नाती चौधरी स्वर्गीय वीर सिंह प्रधान जी भवोकरा निवासी 1101 रुपए एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें चौधरी सतपाल सिंह रसूलपुर निवासी हमारे वहां साहब विजय पाल।